हेलो एवरीवन दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु तो स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है संडे तो आइए आज कुछ धमाकेदार करते हैं आज के संडे को खास बनाने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है आप सभी के लिए चाहे वो आप क्लास इलेवेंथ के स्टूडेंट हो चाहे आप क्लास ट्वेल्थ में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो चाहे आप उसके आगे की पढ़ाई कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन बट कॉमर्स से रिलेटेड कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एज वेल एज़ कॉमर्स से रिलेटेड करंट अफेयर को मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किया है जो हर एक एंगल से आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा सो so, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल एंड आगे के ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल सके आपको आप जरूर से जरूर बेल आइकन को प्रेस करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सो like so, आज के इस वीडियो में पहले आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपके वेरियस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉमर्स बैकग्राउंड एंड उसके बाद आपका एक पोर्शन होगा करंट अफेयर्स का एंड देन फिर क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं <coughs> पहला क्वेश्चन व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डब्ल्यू एंड आप सभी जानते हो कि आपके सिलेबस का पार्ट है ये इट इज द मेन ऑर्गन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट देन इट इज ग्लोबल इन इट्स मैंबरशिप देन इट हैज़ फार वाइडर स्कोप देन जी ए टी टी देन ओनली कंट्रीज हैविंग मोर देन प्रस्क्राइब लेवल ऑफ टोटल जी डी पी कैन बिकम इट्स मेंबर तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओनली कंट्रीज हैविंग मोर देन प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टोटल जी डी पी कैन बिकम इट्स मैंबर ठीक है तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर सो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन convertibility of the rupee implies आप काफी देखिए अनकॉमन क्वेश्चन है बट आपको डेफिनेटली ऐसा मैंने कहा किसी भी जगह ये काम आने वाला है बींग अ कॉमर्स स्टूडेंट आप सभी को जिस तरह के कुछ क्रिएटिव एंड हॉट क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए वो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला तो ऑप्शन है बींग एबल टू कन्वर्ट रुपीज नोट्स इन टू गोल्ड देन अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्सड बाय मार्केट फोर्स Then, freely permitting the conversion of rupee to other major currencies and vice versa. And option fourth, developing the developing an international market for currencies in India. So, this hai, the option is you se select that the convertibility of the rupee ka kya hai, hai? And the correct answer is freely permitting the conversion of rupee to other major currencies and vice versa. So, let's move on to the third question. एडवांस इनकम टैक्स इज शोन इन द तो अब ये आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया तो जैसे मैंने पहले कहा था वेरियस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑप्शन नंबर फोर एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ठीक है तो आपका करेक्ट आंसर है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ थ्री टू टू तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये क्लास ट्वेल्थ के एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के चैप्टर से न्यू रेशियो कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन हो गया ठीक है तो ये आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलप uh, करेगा बिकॉज एक साथ आप सभी लोग अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज इवन क्लास इलेवन क्लास ट्वेल्थ थोड़ा आउटसाइड द सिलेबस सब कुछ को आप सोचेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा एक सेसन हो सकता है दे एडमिटेड सी इन टू पार्टनरशिप हु गेट्स वन थर्ड ऑफ एज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए यानी कह रहे हैं कि सी ने ए से उसके शेयर का वन थर्ड लिया एंड हाफ ऑफ बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बी और बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट से हाफ लिया है कैलकुलेट करना आपको न्यू रेशियो अब देखिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली पेपर पेन का इस्तेमाल करेंगे है ना मैं आप सभी को अभी के अभी एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ देखिए कैसे हम बड़े इजिली कर सकते हैं जैसे आप देख पा रहे हो कि रेशियो है यहां पर क्या चीज है रेशियो में थ्री और टू ठीक है तो आप इसको पहले एक एक जीरो बढ़ा लीजिए दोनों में कितना हो जाएगा ये थर्टी और ट्वेंटी अब आपको देखना है कि जो आपका ये सेक्रीफाइस का फ्रैक्शन दिया है क्या वो फ्रैक्शन इसमें अप्लाई होकर काटपीट कर सकता है कि नहीं तो देख सकते हैं बिल्कुल इजीली हो सकता है लिखा हुआ है कि नया पार्टनर आया है सी सी कितने के लिए आया बिल्कुल नहीं मालूम बट आगे लिखा है सी ने A से लिया है उसके प्रॉफिट के हिस्से से कितना वन थर्ड तो अगर हम ए के इस हिस्से में से वन थर्ड निकाल देते हैं तो कितना आएगा रुपीज टेन ठीक है तो यानी अगर ए के पास पहले तीस था उसने दस दे दिया तो इसके पास कितना बचा अब बीस ऐसे ही बी के बारे में क्या बोला गया है कि बी से उसना, कि, उसने कितना ले लिया है हाफ तो बी के शेयर का हाफ अगर करोगे आप इंटू वन बाई टू तो कितना आ जाएगा दस तो बी से भी इसने दस ले लिया तो सी के पास टोटल कितना आ गया 10 ए से और 10 B से टोटल आ गया है 20 और बी के पास पहले 20 था उसने 10 दे दिया तो उसके पास बचा कितना 10 और सी के पास आया कितना 20 तो अब 20, 10 और 20 का रेशियो गया तो क्या बनेगा 2 1 और 2 है ना तो बहुत आसान है ना देखिए फ्रैक्शन का इसमें कोई खास हमने इस्तेमाल नहीं किया तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है और आंसर क्या है तो पहला ऑप्शन है टू इज टू वन इज टू टू देन सेकेंड वन थ्री इज टू टू इज टू वन देन थ्री इज टू टू इज टू टू एंड देन लास्ट वन थ्री इज टू टू इज टू फाइव सो मैंने ऑलरेडी आपको आंसर शो कर दिया है क्या है और कैसे आया है तो आंसर है थ्री टू इज टू वन इज टू टू दैट इज ऑप्शन नंबर वन ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो तो आने वाले कॉमर्स या आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ में कैरियर में कुछ जब चुन रहे होंगे आप काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अपियर करोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को काफ़ी मिलते हैं और आप जानते हुए सी बी ने अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं ठीक है तो लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को देखते हैं पहले आइए देखिए लिस्ट वन आपके पास क्या क्या है प्लानिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग देन ट्रेनिंग फोकास्टिंग ईवेल्यूटिंग एंड मोटिवेटिंग सब आपके क्लास ट्वेल्थ के मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं और अब आपको इसके अलावा इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे कि क्या क्या कोर्स है ए बी सी डी के तो आपको सेलेक्ट करना है सही वाला तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ पहले बात करते हैं प्लानिंग की प्लानिंग से रिलेटेड टर्म्स आप पहचानिए इसमें से कौन सा हो सकता है तो आप जैसा देख पा रहे हैं फोरकास्टिंग तो प्लानिंग को की मीनिंग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें फोरकास्टिंग ऐसे ही आ जाता है तो ये प्लानिंग के लिए हो गया देन स्टाफिंग स्टाफिंग की बात करते हैं तो हमें स्टाफिंग में ये पढ़ना पड़ता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ना फिर जब डायरेक्टिंग की बात करते हैं तो डायरेक्टिंग में मोटिवेटिंग एक एलिमेंट आता है और जब कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग में ई वैल्यूएशन होता है एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड से है ना तो अब आप इससे टैली कर लीजिए प्लानिंग किससे मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर टू से तो ए के लिए हो गया कौन सा ऑप्शन नंबर टू टू किस में किस में है एक किस में है और इसमें यानी इनमें से कोई एक हो सकता है देन स्टाफिंग के लिए क्या आया है ट्रेनिंग यानी ऑप्शन नंबर वन वन किस में है तो इसमें यानी ऑप्शन नंबर सी आपको सही दिख रहा है ठीक है चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा टू uh, मतलब आपका टैली कर रहा है जैसे आप देख पा रहे हैं टू वन फोर थ्री ये रहा ऑप्शन नंबर सी है ना तो कॉलम वन और कॉलम टू मैच हो गया इससे नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स अ कंपनी सेक्रेटरी कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट तो अगेन एक काफी डेप्थ क्वेश्चन एंड काफी अनकॉमन क्वेश्चन ऑप्शन है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग बाय ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग एंड एन नन ऑफ द अब एनुअल जनरल मीटिंग को अक्सर हम लोग बुक्स में या चीजों में पढ़ते हैं तो हमें शॉर्टकट में ए जी एम लिखा हुआ दिखता है तो शॉर्टकट भी ध्यान रखेंगे And the right answer is option number uh, bypassing a resolution in board meeting. That is option number A. Next question In foreign trade, what is the price quoted by a supplier which includes all charges incurred up to door delivery of goods to the buyers called? So, what is charge? So, this is the local price option, CIF price, Franco price, and last one. Price. तो देख सकते हो आप फिर से एक बहुत ही अनकॉमन क्वेश्चन तो जैसे मैंने कहा आपसे आगे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड आपके सिलेबस सभी से रिलेटेड आपका एक अच्छा ब्रेन टीजर ब्रेन बूस्टर ये सेशन होने वाला है तो ऑप्शन है आपका फ्रेंको प्राइस ठीक है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट वन अंडर विच प्रिंसिपल ऑल द राइट ऑफ एंड इंश्योर्ड आर ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ क्लेम तो यह आप क्लियर है आपको कि क्लास इलेवन के आपके बिजनेस स्टडीज से इंश्योरेंस के चैप्टर से है तो काफी ईजी होगा आप सभी के लिए सब रोगेशन अटमोस्ट गुड फेथ कंट्रीब्यूशन एंड एवरेज क्लॉस तो आपका राइट आंसर है सब रोगेशन देन नेक्स्ट क्वेश्चन एना मराइन इंश्योरेंस

द टाइम ऑफ लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर यानी ऑप्शन नंबर बी और यह क्वेश्चन काफी में आपको देखने को मिलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वन ऑफ द इजिएस्ट वन अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्लास इलेवन इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस डेप्रिशिएशन एंड लास्ट वन कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी तो जैसे जान रहे हैं देख रहे हैं आप सभी ये सब पहला ऑप्शन दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारे एक्सपेंस के अंडर आते हैं और हमसे पूछा गया कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑप्शन नंबर डी है यानी कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी नाउ ये हो गया हमारे वीडियो का हाफ हिस्सा जिसमें हमने कुछ दस अपने कॉमर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखा अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज एंड बोथ अब एक करंट अफेयर देख लेते हैं ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा आपको हर संडे को ऐसा ही एक ब्रिंड टीजर लाने के लिए जिसमें एक करंट अफेयर भी होगा आपके कॉमर्स फील्ड से एज वेल एज़ आपके इलेवेंथ और ट्वेल्थ एंड इवन फर्दर स्टडीज़ में इन्वॉल्व कुछ क्वेश्चन का आ, एक प्रैक्टिस सेशन ठीक है तो आज के करंट अफेयर्स में हम इंक्लूड करने वाले हैं एस वी ए निधि स्कीम जिसको हम बड़े अच्छे हिंदी में बोले अगर तो स्व निधि स्कीम ठीक है ना तो अब आप इसको जैसे भी आपने सुना होगा न्यूज़ में आया होगा ठीक है तो अब आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये प्रोग्राम ये स्कीम क्या है तो देखिए सबसे पहले थोड़ा तो सा इंट्रोडक्शन हो जाए इसके बारे में ऑन जून फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी पी एम स्वनिधि एप वॉज लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर्स द एप्लीकेशन एम्स टू प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस फॉर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शन एरियज टू सोर्स एंड प्रोसेस लोन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स आप देख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लोन को अप्रूवल वगैरह को लेकर प्रोसेसिंग को लेकर के ये यूजर uh, फ्रेंडली बनाया हुआ एक ऐप है हाईलाइट द एप्लीकेशन विल हेल्प इन एनेबलिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ माइक्रो माइक्रोलैंडिंग इंस्टीट्यूशन बैंक्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन टू गेट मैक्सिमम कवरेज द एप्लीकेशन विल ऑल्सो प्रोवाइड पेपरलेस लैंडिंग फैसिलिटीज ठीक है देन <coughs> और एक एस्पेक्ट देखते हैं कुछ की फीचर्स द मेन फीचर ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूड ई के वाई सी और आप सभी जानते हो के वाई सी क्या होता है नो योर कस्टमर ऑफ एप्लीकेशन रियल टाइम मॉनिटरिंग वेंडर सर्च इन द सर्वे एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन या एप्लीकेट ठीक है एंड द लास्ट वन की पीएम स्वनिधि का ये जो ऐप है इसका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है द स्कीम वॉज लॉन्च टू हेल्प द स्ट्रीट वेंडर्स देर आर मोर देन फिफ्टी लैक्स स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री द स्कीम विल प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड एज वर्किंग लोन कैपिटल टू द स्ट्रीट वेंडर्स अब वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल के बारे में उस आप सभी जानते हो कॉमर्स के स्टूडेंट हो द कैपिटल कैन बी रीपेड विद इन अ ईयर तो जो आपको अमाउंट मिलेगा इसमें वर्किंग कैपिटल के तौर पर उसको आप एक साल के अंदर रीपे कर सकते हैं दिस विल बेनिफिट द स्ट्रीट वेंडर्स लार्जली एज दे वर अफेक्टेड बाई कोविड नाइन्टीन बैडली ठीक है तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का एक छोटा सा सेक्शन आज के इस वीडियो में तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो अगेन कुछ क्वेश्चन के साथ अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट्स टू तो आपको पहचानना है कि ये किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट करता है ए एस सेवन ए एस एट ए एस नाइन और एस टेन तो आपका करेक्ट आंसर है ए एस नंबर एट नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेंट इंडेक्स is एसोसिएटेड विथ शिपिंग रेट इंडेक्स क्रूड ऑयल प्राइसेस कॉपर फ्यूचर प्राइसेस एंड गोल्ड फ्यूचर प्राइसेस तो अगेन एक बहुत ही अनकॉमन क्वेश्चन है आप देख सकते हो सभी बट आपके कॉमर्स फील्ड से ही रिलेटेड है आप सभी को पता होना चाहिए सो so दैट कि आप आगे कंपीट कर सके किसी से तो इसका आंसर है क्रूड ऑयल प्राइसेस नेक्स्ट वन प्री इंकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले जो प्रॉफिट होता है उसका प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है तो वह है जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट एंड द करेक्ट आंसर इज कैपिटल रिजर्व नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो आप सभी जानते हो पार्टनरशिप के फंडामेंटल का सबसे बेसिक अकाउंट है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर एप्रीशिएशन जन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड लास्ट वन कंट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व तो आप सभी को बता दो छोटी सी कॉमन बात जो जो प्रोविजन लिखे होते हैं इसे कहा दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना कि अप्रोप्रिएशन में इसलिए आपका ऑप्शन एबीसी तो हो ही नहीं सकता सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज कंट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व नेक्स्ट अ बैलेंस शीट शोज ओनली पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट एंड देन पर्सनल रियल एंड नॉमिनल मतलब सारे अकाउंट्स तो करेक्ट आंसर है पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट की चीजें नहीं आती है सिर्फ पर्सनल अकाउंट आता है और रियल अकाउंट आता है देन नेक्स्ट वन वट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इन शॉर्ट डी आई एन पहला ऑप्शन एन आइडेंटिफिकेशन नंबर विच द इंडिविजुअल कंपनी अलॉट्स टू द Intending director. Next one, a number which the central government allots to any individual intending to be appointed as director or to any existing director of a company. Third one, a number which the SEBI allots to any individual intending to be appointed as director or to any existing director of a company. And the last one, a number which the central government allots to retired director so as to build. डेटाबेस तो ये है डी आई एन के कुछ कंफ्यूजिंग uh, मीनिंग आपको पिक करना है द राइट वन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जिसमें बताया गया है अ नंबर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट्स टू एनी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर और टू एनी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी तो देखा आपने काफी अनकॉमन क्वेश्चन था ये भी एक आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डेटर्स टर्न ओवर इज फोर या आपके क्लास ट्वेल्व के पार्ट बी से रेशियो एनालिसिस के चैप्टर का एक क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय डी टी आर यानी डेटर्स टर्न रेशियो और फिर उसको डेज में या मंथ में राउंड ऑफ करके लिखा जाता है एंड ऑप्शन आर फाइव मंथ्स फोर मंथ्स थ्री मंथ्स एंड टू मंथ्स तो जैसा कि ये क्वेश्चन है पहले इसी को अप्लाई कर लेते हैं हम तो नंबर ऑफ डेज इन आईर थ्री सिक्सटी फाइव एंड डिवाइडेड बाई फोर जो आ गया नाइनटी पॉइंट समथिंग है ना और नाइन्टी डेज ये आएगा क्लियर और हमको तो मंथ्स में आंसर खोजना है तो आपको कौन सा मंथ इसमें टैली कर रहा है थ्री मंथ्स है ना तो करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है थ्री मंथस हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन फॉर द पास्ट फाइव ईयर्स आर रुपीज़ एट्टी थाउजेंड एटी फाइव थाउजेंड नाइन्टी टू थाउजेंड वन लैख फाइव थाउजेंड एंड रुपीज़ वन लाख एटीन थाउजेंड कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज रुपीज़ एट लाख नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज टेन परसेंट वॉट इज द वैल्यू ऑफ गुड विल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड तो जैसा आप सभी जानते हैं क्लास ट्वेल्थ के पार्टनरशिप से ये टॉपिक है गुड विल वैल्यशन का तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं तो पहले तो हम इन सभी का एवरेज निकाल लेते हैं पांचों को जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर आएगा रुपीज़ फोर लैख एट्टी थाउजेंड ठीक है एंड एवरेज के लिए डिवाइड बाय इयर्स करते हैं जो कि फाइव है तो ये आ जाएगा नाइन्टी सिक्स थाउजेंड तो ये आपका एवरेज आ गया एंड देन नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दिया बट कैपिटल एम्प्लॉयड दिया एट लाख नॉर्मल रेट दिया हुआ टेन परसेंट तो एट लाख का टेन परसेंट निकालोगे आप तो ये आ जाएगा आपका कितना एट्टी थाउजेंड ठीक है गुडविल वैल्यूएशन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारी बना रखी है छह पार्ट्स है आप जरूर से जरूर देखें उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो ये आपका एवरेज आ गया और नॉर्मल भी आ गया ठीक है तो एवरेज माइनस नॉर्मल आपका हो जाता है सुपर प्रॉफिट तो नाइनटी सिक्स माइनस एट्टी यानी सिक्सटीन थाउजेंड आपका हो गया सुपर प्रॉफिट नाउ कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का फॉर्मला होता है सुपर प्रॉफिट इन टू हंड्रेड अपॉन रेट तो रेट था दस यानी कि एक जीरो और बढ़ जाएगा एक लाख साठ हजार आपका हो गया आंसर ठीक है तो आइए देखते हैं ऑप्शंस लाख देन एंड तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं आंसर है हमारा वन लाख सिक्सटी थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन डेप्रीशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग तो डेप्रेशन की जिसको मीनिंग मालूम है वो सही से जवाब दे सकता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स देन एलोकेशन ऑफ Acquisition cost over the estimated useful life of the asset. Then allocation of realizable value over the estimated useful life of the assets. And the last one, estimating the market value of the assets on the balance sheet date. So correct answer option number B that is allocation of acquisition cost over the estimated useful life of the assets. And then next question, and most probably it is the last question: establishment expenses of a new machine will be debited to.

एक हिस्से में कुछ क्वेश्चन देखे फिर करेंट अफेयर्स को देखा रिलेटेड टू कॉमर्स फील्ड एंड देन फिर क्वेश्चन हुए तो ओवरऑल आज के इस 20 मिनट के ही वीडियो में जो बहुत बड़ा वीडियो टाइम नहीं कहा जाएगा आपने देखा कि आज हमने संडे का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया विद इन ट्वेंटी मिनट्स कि अपने अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज क्लास 11th, क्लास ट्वेल्थ एंड इवन फर्दर स्टडीज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने इसमें प्रैक्टिस किया जो डेफिनेटली आपके एकेडमिक्स में भी काम आने वाला है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेवेंथ हो या ट्वेल्थ एंड एज वेल एज आप अगर ट्वेल्थ पास हो चुके हो तो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो जैसा मैंने आपसे कहा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर संडे को मैं इस तरह का एक ब्रेन टीजर आप सभी के सामने लाऊ तो नेक्स्ट संडे को फिर मिलेंगे ऐसे ही एक ब्रेन टीजर के साथ और साथ साथ आपको वीक में कई सारे और वीडियो मिलेंगे रिलेटेड टू द सिलेबस तो फॉर दैट पर्पज यूनिट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय